हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं लेह रीजन के बारे में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हाल ही में एक सामुदायिक संग्रहालय, एक कम्युनिटी म्यूजियम जो है वो शुरू किया गया है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। क्या है ये कम्युनिटी म्यूजियम, कहाँ इसको शुरू किया गया है। दरअसल लेह का एक इलाका है गया ससोमा जिसका नाम है, यहां पर एक सामुदायिक संग्रहालय की शुरुआत की गई है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, स्टेट पीएससी, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में आप हैं, स्टडी आईक्यू पर आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए शानदार स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। दोस्तों, इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड SHUBH33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आप स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर इस कोड की मदद से ले पाएंगे। तो लद्दाख में हाल ही में एक कम्युनिटी म्यूजियम जो है वो शुरू किया गया है। कहां पर? गया ससोमा एक सेटलमेंट है, एक छोटा सा गांव है जो कि नुब्रा रिवर के पास है। वहां पर एक कम्युनिटी म्यूजियम जो है वो शुरू किया गया है। ये ट्रेडिशन को, कल्चर को जो है लद्दाख रीजन के, इस यहाँ के लोगों के जो है पूरा का पूरा कल्चरल हेरिटेज है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। एक प्रयास है, एक एफर्ट है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द रीजन्स रिच कल्चरल हिस्ट्री। इस इलाके की जो समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास है, जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसको संजोए रखने के लिए, क्योंकि विद द चेंजिंग टाइम्स धीरे धीरे ये कल्चर जो है इसमें भी बदलाव आ रहे हैं। तो एक प्रयास है कि आने वाली जनरेशन के लिए अपने ट्रेडिशंस की, अपने कल्चर्स की झलक जो है वो इस म्यूजियम में, इस कम्युनिटी म्यूजियम में संजो करके रखी जा सके। लद्दाख दुनिया का एक ऐसा रीजन है जो कि वर्ल्ड के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक है, और यहाँ का कल्चर जो है वो अपने आप में बहुत ही अलग है, बहुत ही निराला है। तो छोटे छोटे हेमलेट्स में, छोटी छोटी सेटलमेंट्स में यहाँ पर लोग जो है वो रहते हैं। हर एक हेमलेट का, हर एक सेटलमेंट के अपने कुछ ट्रेडिशंस है, अपने कुछ कल्चर्स हैं, और यही प्रयास है इस म्यूजियम के द्वारा कि इन कल्चरल आइडेंटिफिकेशंस को हमेशा हमेशा के लिए प्रिजर्व कर लिया जाए, ताकि आने वाले समय, आने वाली जनरेशन जो है वो इन सारी चीजों के को देख सके, इनको जान सके। तो इसके लिए ये कम्युनिटी म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। ससोमा जो है वो एक छोटा सा सेटलमेंट है, एक छोटा सा इलाका है, जहां पर एक छोटा गांव गया विलेज जो है वो मौजूद है। नुब्रा घाटी में, नुब्रा नदी के किनारे पर ये विलेज जो है, ये सेटलमेंट जो है वो मौजूद है। ये वो इलाका है जो वर्ल्ड में हाईएस्ट इनहैबिटेड है, सबसे उच्चतम ऊंचाई पर बसे हुए क्षेत्रों में से एक ये इलाका है। और लद्दाख रीजन का जो कल्चर है, क्योंकि लद्दाख जो है काफी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, छोटे छोटे हेमलेट्स में, अलग अलग इलाकों में, छोटे छोटे पॉकेट्स में लोग जो है वो रहते हैं। तो हर एक इलाके की, हर एक पॉकेट की अपने कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है, और लद्दाख का जो कल्चर है वो मुख्य रूप में इन ग्रामीण क्षेत्रों में, इन छोटे छोटे गांव के अंदर मिलता है, जिस वजह से इनको कंजर्व करना जरूरी हो जाता है। गया ससोमा जो है ये लेह का एक ऐसा गाँव है जहां पर इस गांव ने, दे हैव डोनेटेड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स म्यूजियम को बनाने के लिए। जो कल्चरल सिंबल्स थे, जो छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स थे जो उस म्यूजियम में डिस्प्ले होने हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ के लोगों द्वारा खुद से दी गई हैं। दे हैव डोनेटेड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड कलेक्शंस टू कंस्ट्रक्ट द कम्युनिटी म्यूजियम इन अ टिपिकल लद्दाखी हाउस, मेकिंग इट फर्स्ट ऑफ इट्स सॉर्ट इन इंडिया। लोगों द्वारा म्यूजियम बनाने के लिए, एक ट्रेडिशनल जो लद्दाख क्षेत्र के घर होते हैं, एक लद्दाखी हाउस के अंदर इस म्यूजियम को बनाया जाएगा, और यहाँ पर रखने के लिए जो कल्चर को डिपिक्ट करेंगे, छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स, छोटी छोटी चीजें जो हैं वो लोगों द्वारा दी गई हैं, ये कलाकृतियां, ये आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो या इस म्यूजियम की अट्रैक्शन होंगी। ये चीजों को देखने के लिए लोग जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। दोस्तों, लद्दाख जो है वो वैसे भी टूरिस्ट के लिए काफी ज्यादा पसंदीदा डेस्टिनेशन जो है वो बनता जा रहा है, तो लद्दाख में टूरिज्म पोटेंशियल को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग जो जाकर के इसकी कल्चर को, इसकी हेरिटेज को देखना चाहते हैं, उनके लिए ये चीजें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। और इस तरीके से लोगों की मदद से बनाया गया अपने आप में पहला एक म्यूजियम जो है ये होने वाला है। दोस्तों, नुब्रा रिवर
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर है लद्दाख का, उसके पास ये छोटा सा है सेटलमेंट है ससोमा जिसको कहा जाता है। इस म्यूजियम में क्या क्या चीजें होंगी, ट्रेडिशनल यूटिलिटी आइटम्स, रोजमर्रा की जो उपयोगी वस्तुएं हैं जो लोगों के घरों में हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। टेक्सटाइल्स, ड्रेसेस एंड एंटीक्स ऑफ द डे टू डे लाइफ ऑफ गया ससोमा आर द मेन अट्रैक्शन। अब उनके लिए, वो उस कम्युनिटी के लिए या इस रीजन के लोगों के लिए तो ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो डेली लाइफ में वो सामान इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रेसेस वो पहनते हैं, जो टेक्सटाइल्स आदि जो पोशाकें उनके पास है। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों के लिए वो बहुत ही अलग सी चीज है, इस वजह से इसको इस म्यूजियम में रखा जाएगा ताकि उनकी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो है वो अब दुनिया तक पहुंच पाए, दुनिया देख पाए कि किस तरीके से ये कल्चर जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कम्युनिटी म्यूजियम जो है विल बी एन एंकरेज पॉइंट फॉर द यंग जनरेशन ऑफ लद्दाख। लद्दाख की युवा पीढ़ी की एक पहचान जो है ये बनेगी, क्योंकि युवा पीढ़ी आकर के देख पाएगी, जान पाएगी अपनी प्रीवियस जनरेशन को, और साथ ही साथ जो विजिटर्स हैं उनको इस पूरे के पूरे इलाके को समझने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इस उद्देश्य के साथ में इस कम्युनिटी म्यूजियम को शुरू किया गया है। दोस्तों ये म्यूजियम जो है क्योंकि लद्दाख में बनाया जा रहा है, लद्दाख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारत में काफी ज्यादा खूबसूरत इलाकों में से शायद टॉप रैंकिंग में लद्दाख रीजन जो है वो आता है। लद्दाख दोस्तों, ये लद्दाख शब्द जो है वो बनता है दो शब्दों से, ला और दाख। ला आपने सुना होगा, बड़ा लाचा ला, खड़दुंग ला। ला शब्द का अर्थ होता है पास, दो पहाड़ों के बीच में उनको जोड़ने वाला एक रास्ता जो है वो पास कहलाता है, और दाख शब्द का अर्थ है लैंड। तो ला दाख का जो मतलब बनता है वो होता है द लैंड ऑफ पासेज। और अनडाउटेडली अगर किसी ने लद्दाख की जर्नी जो है वो अंडरटेक करी है तो आप जानते होंगे न्यूमरस पासेज से, बहुत सारे माउंटेन पासेज से होकर के आप लद्दाख की पूरी जर्नी जो है वो क्रॉस करते हैं, तो इस वजह से इसको लैंड ऑफ पासेज कहा जाता है। दोस्तों अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तो तीन मेजर एरियाज थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उस समय इन तीनों रीजन में सबसे बड़ा रीजन जो है वो लद्दाख था। आज भी अनडाउटेडली करीब 95,876 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में लद्दाख क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। 2019 ऑनवर्ड जिसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है वो दे दिया गया था। लैंड ऑफ लद्दाख इंजॉयज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग लोकेटेड ऑन द एंशियंट सिल्क रूट। दोस्तों अगर आप लद्दाख के मैप को क्लोजली देखें तो ये कनेक्ट करता है अस्टवाइल तिब्बत को, जो आज चाइना की ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, तो यही वो सिल्क रूट है, रेशमी मार्ग जिसे कहा जाता है, जहां से होकर के ट्रेड जो है वो किया जाता था, और लद्दाख उस सिल्क रूट का पार्ट था। थ्रू दिस रीजन यहां से ट्रेड जो है वो होता था, एंड दिस रीजन प्लेड अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, रिलीजन, फिलोसफी, ट्रेड एंड कॉमर्स इन द पास्ट। दोस्तों जब भी इस प्रकार का, क्योंकि एंशियंट टाइम्स में पैदल मार्ग से यहाँ पे से होकर के जाया जाता था, तो जो लोग, जो व्यापारी यहाँ से गुजरते थे, जो यहाँ से होकर के तिब्बत जाते थे, उन तिब्बतीयन कल्चर की खास तौर पर यहाँ पे झलक, फिलॉसफी जो है वो आज भी देखने को मिलती है, और ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो काफी ज्यादा कल्चरली सिग्निफिकेंट हो जाता है, और यही उद्देश्य है कि इस कल्चर को आगे के लिए भी प्रोटेक्ट किया जा सके, इस वजह से ये म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। पाकिस्तान एंड चाइना आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया ओवर सियाचिन एंड एक्साइचिन इन दिस रीजन। दोस्तों लद्दाख जो है वो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रीजन में एक लगातार कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान और चाइना के साथ में बना हुआ है। पाकिस्तान के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सियाचिन एरिया में रहा था, और चाइना के साथ एक्साइचिन रीजन में, जो कि 1962 वॉर के बाद चाइना ने टेरिटरी जो है वो ऑक्यूपाई कर ली थी। तो इस वजह से स्ट्रेटेजिकली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज्यादा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन तीनों देशों के में, भारत, पाकिस्तान और चाइना। इस वजह से इसकी जो एक रणनीतिक महत्व जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां या दो देश जो है वो इस पूरे के पूरे रीजन में इन्वॉल्व है। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो बहुत सारा एरिया ऐसा है, जैसे लद्दाख क्षेत्र में, जैसे अक्साई चीन जो कि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन में है, 1962 वॉर के बाद चाइना ने जिस एरिया को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया था। सियाचिन ग्लेशियर है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भारत और तो पाकिस्तान का रहा है, और ये कुछ एरिया है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को दिया है, टेरिटरी वो इंडिया की है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की कुछ टेरिटरी जो है वो चाइना को दे दी गई है। तो इस लद्दाख रीजन में जो कल्चरल सिग्निफिकेंस या नेचुरल ब्यूटी के अलावा स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। दोस्तों
यहाँ कहीं पर गलवान वैली जो है वो मौजूद है, आपने सभी ने सुना होगा 2020 में जिस तरीके के क्लैशेस जो है वो गलवान वैली में हुए थे। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चर हो चाहे टूरिज्म हो और चाहे जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो, ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो हो जाता है। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में समझ पाए होंगे। दोस्तों लद्दाख रीजन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे क्योंकि लद्दाख के ही एक इलाके में कम्युनिटी म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर आपके लिए अवेलेबल है। दोस्तों इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे और बहुत जल्दी इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड SHUBH33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।